नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। अब विमान में सफर कर सकेंगे शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़। सरकार के निर्देश के बाद एयर इंडिया ने हटाया प्रतिबंध। दिल्ली की सड़कों पर लाल बत्ती पर रुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की अगवानी के लिए हवाई अड्डे पहुंची। रुस्तम के लिए अक्षय कुमार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और फिल्म नीरजा को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार। एटीसी की सतर्कता से दिल्ली हवाई अड्डे पर बड़ा हादसा टला, एक ही रनवे पर आए दो विमान। रिलायंस जियो के ग्राहकों को बड़ा झटका, अब नहीं मिलेगा समर सरप्राइज ऑफर का लाभ। आयकर विभाग ने कहा 3 वर्षों में 1.37 लाख करोड़ रुपए की कर चोरी पकड़ी गई। गर्मी बढ़ने के साथ ही बढ़ा जल संकट, देश के प्रमुख जलाशयों का जल स्तर 1% घटा। उच्चतम न्यायालय ने गौ रक्षक दलों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी याचिका पर केंद्र सरकार के अलावा 6 राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। सीरिया के होम शहर के पास स्थित वायु सैनिक अड्डे पर अमेरिकी मिसाइल हमले में 9 मरे। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों ने कहा दक्षिण चीन सागर द्वीप पर चीनी लड़ाकू विमान देखा गया। सीरिया पर अमेरिकी हमला फ्रांस की जानकारी में हुआ, फ्रांस विदेश मंत्रालय ने कहा। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में रेप के बाद गर्भवती हुई नन ने किया चर्च पर मुकदमा। शराब दुकानों में तोड़फोड़ को लेकर योगी की अपील, संयम बरतें, कानून हाथ में न लें। कश्मीर की नदियों का जलस्तर घटा, झेलम अब भी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर। आईपीएल मैच के दौरान MF धोनी को रेफरल मांगने पर रेफरी ने लगाई फटकार। ये थी आज की प्रमुख खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।